अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे सलून पे क्लास है और मैं अपने कुछ स्टूडेंट को टीच करूँगी, कुछ अपनी मॉडल्स को रेडी करूँगी उन लोगों के सामने जो आज क्लास लेने आए हैं अपडेट कर लें, और आप लोगों को भी टीच करूँगी। आप मेरी स्किन मॉडल की स्किन देख सकते हैं। आज जो मायों का लुक देंगे हम अपनी मॉडल को, और मायों का ही ड्रेस पहनाएंगे क्योंकि हमने ब्राइड वलीमे की भी आपको दिखा दी है, आप लोगों से वीडियो शेयर की है, और उसके बाद जो है हमने आपको वो वलीमे की भी ब्राइडल दिखाई है। उसके बाद आपको मॉडल मेकअप भी हमने आप लोगों से शेयर किया। अब हम करेंगे मेहंदी लुक की ब्राइड, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, इनके बाल बहुत छोटे हैं, एक्सटेंशन का सहारा लेके हम इसके बालों की चुटिया वगैरह देखेंगे क्या बनता है, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी मॉडल की स्किन को हाइड्रेट करेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रा स्प्रे यूज़ करेंगे, अपनी मॉडल के फेस पर यूज़ करेंगे ताकि इनकी स्किन जो है उसके ऑयल भी ना आए और स्किन अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो जाए। फिर हम अपनी मॉडल के लोशन लगाएंगे। ये लोशन जो है आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट करेगा, आपकी बेस भी लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगी, ठीक है। और इसके साथ जो है आपको लगाने का, जो आप जैसे फाउंडेशन लगाएंगी आपको बहुत इजी से आपकी फाउंडेशन जो है वो लग भी जाएगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है अल्ट्रा परफेक्ट प्राइमर, ये मैं अपनी मॉडल को यूज़ करती हूँ ताकि इनकी स्किन जो है सॉफ्ट हो के अच्छे तरीके से बेस लग जाए और लॉन्ग लास्टिंग जो है बेस जो है वो स्टे करे, ठीक है। अब इसकी मुलायम और सॉफ्ट स्किन हो चुकी है, अब इस पर फाउंडेशन अप्लाई करूँगी तो बहुत अच्छा जो है इनका रिज़ल्ट आएगा और बहुत ईजी तरीके से हम इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। हमने प्राइमर सबसे पहले इसकी हाइड्रा स्प्रे यूज़ की, फिर लोशन यूज़ किया अल्ट्रा प्राइमर वाला। तो अगर किसी की स्किन ऑयली हो या स्किन पे बहुत ज़्यादा पैचेस हो या स्किन पे मतलब स्कार्स हो तो आप ये जो है ये जो उसके प्राइमर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया कि मेरी स्किन मॉडल की जो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, और दूसरी बात ये कि हम अब यूज़ करने लगे हैं काशिस का जो फाउंडेशन, इसका नंबर है 14। और बहुत सी फ्रेंड्स ने इनबॉक्स में पूछा है कि आप एक 14 नंबर आपने बाजुओं मॉडल की बाजुओं पे क्या लगाया है, कौन सा नंबर लगाया है। तो हम जो है अपनी मॉडल का पहले कॉम्प्लेक्शन देखेंगे कौन सा है, उसी हिसाब से फिर हम नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसके हैंड एंड फुट पे या नेक पे वही फाउंडेशन जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाया जी मुझे रिस्पॉन्स, ये जो मैंने 14 नंबर की फाउंडेशन लगाई है, अब इसको मैं कैसे, ये देखें ये मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, उसके साथ कोई प्राइमर कोई कंसीलर, प्राइमर तो अल्ट्रा प्राइमर तो हमने यूज़ किया, इसके अलावा हम इसके फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हम बहुत सी टेक्निक्स करते थे, जैसे नीचे वो हमने केकी सा वो स्टिक लगा ली, उसके ऊपर कोई और स्टिक लगा ली, फिर ऊपर फाउंडेशन। अब ऐसा कोई सीन नहीं है, अब ऐसा कोई सीन नहीं है, हम डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करेंगे और ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगी आपकी फाउंडेशन, ठीक है। इनकी फाउंडेशन अप्लाई कर ली, अभी हम इसका काशिस का जो 7 नंबर है वो इनके इसको फेस पे कॉम्पैक्ट इसी नंबर से करेंगे। ऊपर देखें, समटाइम होता है कि ऐसे क्रैक्स पड़ जाती हैं, लाइन पड़ती हैं आइस के नीचे, तो इस फाउंडेशन के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है कि इस तरह के काम हो आपके साथ, तो बंद कर, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको भी मैंने ये बताना था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक फाउंडेशन है, आप उसकी थोड़ी सी बचत करना चाहते हैं, और आपके पास कोई मुसरत मिसबा या अदर कोई और ब्रांड की आपके पास फाउंडेशन पड़ी है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको नेक पे यूज़ कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं है कि आपने फुल इसको काशिस की लगानी है। तो व्यूवर्स आपने भी बहुत से क्वेश्चन किए थे कि हम हैंड एंड फुट पे, हैंड पे कौन सी मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ या आपने कौन सी लगाई है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड की लगाएं, आपके पास कोई फिट मी की है, कोई रेवलॉन की है, कोई स्टेज लाइन की है, या कोई मुसरत मिसबा या एनी अदर ब्रांड्स की आपके पास अगर कोई फाउंडेशन है तो आप उसको अपने उसकी नेक पे, उसके हैंड एंड फुट पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके फेस पे कंटूरिंग करेंगे, हमने प्रेस पाउडर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, देखिए बहुत अच्छी सी इसकी बेस बन गई है। अच्छा जी, ये जो मैं पैलेट यूज़ करने लगी हूँ फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें सारा कुछ ही है जो आपको अलग अलग से चीज़ें पकड़नी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कंटूरिंग भी है, इसमें हाइलाइटर भी है, इसमें ब्लश ऑन भी है, इसमें बहुत पिंक हाइलाइटर भी है, ठीक है। अब आपके सामने इसको यूज़ करूँगी, सबसे पहले तो मैं आपको कंटूर का इस्तेमाल करूँ, ये देखो ये आपने कंटूर करना है, उसके बाद आपने ये आपको मैं इधर वाली साइड पर बताती हूँ, मैं ज़रा इधर बता दूँ, आपने ये दूसरी चीज़ ये करनी है, ठीक है। और तीसरा आपने जो हाइलाइटर लगाना है वो ये लगाना है,
ठीक है। अब मैं तीनों को मिक्स करूँगी तो इसकी बहुत अच्छी जो चीक्स है ना वो ग्लो करेंगी। लाइए मुझे ब्लश ब्रश दें, ये भी काशिश का ही ब्रश है क्योंकि मोस्टली मैं उसी की प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, आई लाइक इट वेरी मच। और ये दोनों चीज़ें जो ब्रशेज़ हैं ये इसी के ही हैं, ठीक है। छोटा पैलेट है, आप कभी कोई पैलेट पकड़ती हैं मेकअप के लिए, कभी कोई पकड़ती हैं, तो आप लोगों की आसानी के लिए ये देखिए बहुत अच्छा सा काशिश का जो है, इसमें बहुत से कलर्स हैं, इसमें आप पार्टी मेकअप कर सकती हैं, ब्राइड रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये परचेज कर सकती हैं, मेरे ख्याल में 5000 समथिंग इसकी प्राइस है। इसमें यह है कि आप अपने पार्टी मेकअप कर लें, ब्राइड का कर लें, आपको अलग अलग से पैलेट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए कितने कलर्स हैं, इसमें ग्लिटर्स भी है, इसमें कंटूरिंग भी है, इसमें शिमर्स भी हैं, ऑल थिंग्स अवेलेबल। चले जी मैम आपको आइस का मेकअप सिखा दूँ, मैं जी मुझे ब्रश दे दूँ। ये मैंने कैमल कलर लिया है और कट क्रीज जो है वो आइस की हम थोड़ी सी बना रहे हैं। और मेकअप आपको सॉफ्ट ही सिखाऊंगी आज, कोई मैंने चार पांच चीज़ें ऐड नहीं करनी, जस्ट आपको वही सिखाना है जो ड्रेस के इसमें कलर्स। ये मैं ब्लैक शर्ट से कॉर्नर बनाने लगी हूँ ताकि इसके जो ब्लैक कॉर्नर है वो थोड़ा सा इनहेंस हो और आँख जो है वो खुली खुली सी इसकी नज़र आए, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड्स पे मैं ऊपर देखिए आइस के नीचे भी ये ब्लैक शर्ट और कैमल शर्ट लगाऊंगी, या ऑरेंज शर्ट भी लगा सकती हैं, बड़ी अच्छी। ये देखिए अभी जब कंप्लीट होगी आइस आपको बहुत अच्छी लगेगी आइस बनते में। अब इसकी आइस की मैंने वो डेप्थ बना ली है ब्राउन और कैमल कलर्स ब्लैक कलर के साथ, ठीक है। तो अब हम जो है इसकी आइस को नीट करने के लिए थोड़ा सा इसके कट क्रीज जो बनाएंगे, ये पकड़ लीजिए इसको बंद में खींचिए ताकि इनकी आइज नीट हो जाए, ठीक है। ये देखिए इस तरह आपका जो आइज़ मेकअप है बहुत नीट भी होता है और आपके जो ग्लिटर्स लगे होते हैं, आपके जो शेड्स लगी होती हैं वो बहुत इनहेंस होती हैं बहुत नीट तरीके से, ठीक है। ये देखें कितनी नीट इसकी आइज़ हो गई है। ये देखें अब हम इसके ऊपर सीलर लगाएंगे, सीलर के बाद जो है हम इसके ग्लिटर लगाएंगे। अब हम जो है अपनी मॉडल के सीलर लगाएंगे आइस पे, बंद करें अपनी आइस। हमने बहुत अच्छी इनकी आइस बना ली है, ठीक है, नीट कर ली है हमने। हम सबसे पहले इसके जो सीलर लगाएंगे उसके बाद हम जो है ना मैजिक क्वीन, काशी का मैजिक क्वीन जो है, आपको तो नज़र नहीं आ रहा होगा बट ये कि आप नोट कर लें, मैजिक क्वीन जो है हम इसमें थोड़ा सा गैलेक्सी गार्डन ऐड करके इसके आइस बोल के एरिए पर लगाएँगे, ठीक है। अब हम जो है सीलर की मकदार आप देख लें, आप भी स्टूडेंट्स देख लें कि जो सीलर की मकदार है आपने कितनी लेनी है एक आइज़ पे। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी आइज़ में क्रैक्स पड़ जाएंगे, आपकी बेस वो जो नीचे वाली आपने लगाई होगी वो फट जाएगी, ठीक है। लाए दें इसका ग्लिटर जो गैलेक्सी गार्डन और मैजिक क्वीन आपने निकाला है वो मुझे दे दें, ठीक है। ये हमने इनको दोनों को मिक्स किया है, ये सीलर पकड़िएगा। ये जो है हम इस तरह इनके ड्रेस के साथ मैच करके ये लगाएंगे, ठीक है, मैजिक क्वीन एंड गैलेक्सी गार्डन। पैलेट में से आउटर कॉर्नर पे जो भी इसके ड्रेस के साथ ग्लिटर मैच करते हैं वो यूज़ करेंगे। ये जो है मेरे ख्याल से मेरी मॉडल के जो है ये ये जो है कलर अच्छा लगेगा, ये जस्ट थोड़ा सा इसके आउटर कॉर्नर पे लगाएंगे, ठीक है, ताकि इनकी आइज जो हैं बहुत प्यारी सी दिखे। जी एंड स्टूडेंट्स, ये मैं ब्राउज़र है ब्राउन कलर का, इसके साथ मैं आईब्रो बना रही हूँ अपनी मॉडल की। और ये जो है काशिश का ही है, मैं आपको दिखा दूँ आपको, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया है, ये देखें ये ब्राउन कलर के साथ जो है मैं इनकी आईज़ को आईब्रो को जो है वो
लाइनर लगाए, आईब्रो लगाई, अभी उसकी आईब्रो मैं बनाऊंगी। मैं जब तक वो लैशेस को गम लगा लें, मेरे ख्याल से ये मिड वाली जो है ना ये कर लें, ये मिड वाली जो है ना वो उसको गम लगाएं। लैशेस भी हम हमारे पास फ्री टच की भी बहुत अच्छी है, और उसके बाद एक और थी शेफर की भी बहुत अच्छी है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मस्कारा दे, मैं इसका डस्ट आउट कर लूँ ज़रा लैशेस से। ये काश मैं आई जो लैशेस इनकी हैं वो पहले नीट कर लूँ, ताकि जो हम लैशेस लगाएं तो वाइट वाइट नीचे से इनकी जो वो नज़र ना आए। ये मस्कारा भी मेरे पास काशिश का ही है। मेरे पास एक और मस्कारा है, वो भी बहुत अच्छा है, बट वो वाटरप्रूफ भी है। वो उतरता ही नहीं है, स्किन पे बेस उतर जाती है, बट ये है कि वो मस्कारा जो है वो नहीं उतरता। मुझे दिखाएं बच्चियों, उनको दिखाऊं, आप लोगों को भी दिखाऊं, मुझे मस्कारा दिखा दें। ये मस्कारा नहीं, ये वाला, ये जो मस्कारा है ना ये बहुत अच्छा है, ये वाटरप्रूफ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये दोनों बहुत बेस्ट है। ठीक है, ये आईलैशेस मैंने वही निकाली हैं जो मुझे, हाँ नहीं इसका एरिया छोटा है ना, ये भी तो देखना पड़ता है ना। ये जो बड़ा एरिया होता है ये आपको पीछे लगाना पड़ता है, इधर जो छोटा एरिया होता है आपको जो है वो इनर पे यूज़ करना होता है। ये देखिए बिल्कुल इजी तरीके से, पहले आपने क्या करना है, आईलैशेस लगा के 2 मिनट इसको हवा देनी है, थोड़ा सा ड्राई हो जाए, देन आप इसको जो है वो लगा, ऊपर देखें, ऊपर देखें, बंद करें। हम अपनी मॉडल के आईज़ पे, इनर पे आई शेडो क्वीन, शिमर क्वीन, ठीक है, आईज़ ग्लोइंग शिमर ये लगाएंगे। ये देखें, इसके साथ आपकी आईज़ जो है कितनी खूबसूरत हो गई, और हम इसके हाइलाइटर भी इसी के साथ ही लगाएंगे। ये देखें बेटा, मैं आपको उस साइड पे दिखाती हूँ, मैं ज़रा ये वीडियो में अपने व्यूवर्स को, अपनी फ्रेंड्स को दिखा दूँ, उसके बाद आपको उधर वाली साइड पे मैं बता दूँगी दूसरी आईज पे। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा मतलब साइड पे होना, हाँ ये चीज़, ये देखें मेरे व्यूवर्स कितनी खूबसूरत इसकी आँख बन गई है। ये देखें तो सुन करें थोड़ा सा, ये चीज़ अब देखें इसकी आईज़ की डेप्थ कितनी खूबसूरत बनी है। अब हम लाइनर लगाएंगे, हम मस्कारा लगाएंगे, उसके बाद जो है हम लिप ग्लॉस की तरफ आएंगे। अब मैं लिप बाम लगाने लगी हूँ, इसके हॉर्न जो है बहुत ड्राई हो चुके हैं, जिसके साथ आपको ये लिपस्टिक, ये ग्लॉस लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो हम जो है इसके थोड़ा सा बाम लगा लें, हम मिक्स करें इसको। हाँ ठीक हो गया, ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर जो है लिप ग्लॉस लगाएंगे काशिश का, ये जो कलर है इसका पीच सा कलर है, काशिश का ग्लोज है, इसके नीचे स्नो ड्रॉप लिखा हुआ है। ये हम लाइट सा लगाएंगे, हम मिक्स करें। थोड़ा सा पीछे हो जाए आप, नहीं आप उधर में आने, मुझे देखें, ये आईब्रो के मिड से हमने ये पार्ट लेना है। ठीक है, इधर से भी आईब्रो के मिड से ये पार्ट लेना है, आप बेटा पीछे हो जाए। ठीक है, और हम इसको ये पार्ट जो है अलग कर देंगे, हम थोड़ा सा चेयर को भी मोड़ते हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाए। ये चीज़ अब आपको क्लियरली नज़र आएगी, स्टूडेंट्स आप भी देख लें, आप इधर ही खड़ी लेंगे। ठीक है, इसके बालों की कंडीशन बहुत रफ और डैमेज बाल हैं, हम इनको देखें अब कैसे इनको नीट करते हैं, स्ट्रेट कर करके इनकी स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, हम पहले बैक कॉमिंग करेंगे इसी के बालों की, और बैक कॉमिंग का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूँ। हाँ, ले जाके स्प्रे लेके आओ, ये कैम, ये देखो स्प्रे लेके आओ, नहीं जाओ फेस में। ये पार्ट किया है हमने, और हमने बहुत नीट तरीके से इनकी बैक कमिंग करनी है, ये ऐसे करना है। ठीक है, हमने यूँ नहीं करना, यूँ यूँ इतना एकदम इकट्ठा कर देना है, बस आपने यूँ करनी है। ठीक है, हम इसको स्प्रे भी करेंगे, स्प्रे ना भी करें तो आपका बड़ा अच्छा सा हेयर स्टाइल बन जाए। ठीक है, वन बाय वन पार्टीशन। हम आज इसका पफ यूज़ नहीं करेंगे,
मैंने यहाँ पे काशी का स्टॉल भी लगाया है, तो जो भी लेना चाहता है काशीज की प्रोडक्ट वो यहाँ से मिल जाएंगी आपको। लहंगे भी इनके मिल जाएंगे, ज्वेलरी भी मिल जाएगी, लेकिन जो लोग दूर रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनको डीसी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। तो बाकी जो नज़दीक के लोग हैं, फैसलाबाद हैं, लाहौर है और अदर सिटी हैं, ननकाना में हैं, वो जो हैं हमसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। रेंट पे जो ड्रेस, जो जिस तरह का ड्रेस होगा उसी तरह की जो है उसकी वो होगी, उसका रेंट उतना ही होगा। ये हम जो है पार्ट वो स्ट्रेट करके इसके ऊपर जब रखेंगे तो बहुत नीट लुक आएगी, ठीक है। हम इनको स्ट्रेट करेंगे ताकि इनकी जो है वो नीट लुक आ जाए। ये देखिए कितनी नीट लुक आ गई है। हम इसी तरह जो है ये बैकअपिंग बैठेगी नहीं आपकी, थोड़ा सा आप इसको हाइट देंगे, जितना भी आप इसको हाइट दे रही ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो इनके बालों की इसलिए की है ताकि ये इनके बाल बैठें। ये देखिए नीट इनकी बैकअपिंग हुई है। अब हम इसको बिनअप करेंगे और फिर हम इसका चुटिया का कोई सीन करेंगे, जो भी इसके बालों पर स्टाइल अच्छा लगे हम वही बनाएंगे, ठीक है। चले जी पिनअप दे देंगे। ये दो पिंस मैंने जस्ट लगाई हैं, ज़्यादा लगाएंगे तो फिर इनकी जो है पिंस ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। अब ये देखिए बहुत नीट मैंने बैकअपिंग कर ली है। अब इसके ऊपर बाल आएंगे, अब हम देखते हैं कि इसकी चुटिया कैसे करनी है। साइड पर जो है ना, ठीक है, एक सेकेंड, ये मैं थोड़ी सी बैकअपिंग करूँगी इसके, ताकि वो जो अगला पार्ट है हम इसके साथ जो है वो मिला सकें, ठीक है। आगे से इसकी जो लाइन है वो मांग है इसकी बहुत नीट निकालने हैं, ताकि पिक्चर्स में हमारी मॉडल के जो हेयर्स हैं बिल्कुल नीट लगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम अपने जो मॉडल के हेयर्स को थोड़ा सा स्ट्रेट करेंगे। तो बैकअपिंग हमने इन्हीं के बालों की कर ली है, बहुत नीट हुई है और आगे से इसकी पार्ट भी देखें बिल्कुल क्लियर है। और ये चीज़ें नोट की जाती हैं जब आप मॉडल रेडी करते हैं। तो हम ज़्यादा इसको हीट नहीं देंगे इनके बालों को, क्योंकि इनके ऑलरेडी डैमेज हेयर हैं तो वो उतरने शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेट तो इन बालों को करते नहीं हैं, बट हमने इसलिए करना है कि इनकी जो हमने चुटियाँ बनानी हैं, जो भी हमारी समझ में आई इनके बालों के अकॉर्डिंग, तो वो नीट जो है हम आपको दिखा सकें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको स्टाइलिंग भी साथ साथ गाइड कर रहे हैं। चलें जी, मेरे सलोन में जो क्लास हो रही है, जो स्टूडेंट्स आई हैं काम सीखने के लिए, बहुत हैप्पी हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको भी गाइड किया जा रहा है और इंशाल्लाह आपको भी समझ आ जाएगी, ठीक है। टेलकॉम के साथ कॉम करें ना, टेलकॉम के साथ करें कॉम, ये पकड़ें, एक सेकेंड, दोबारा इसको कॉम करें, हाँ ये देखें इसमें जो लाइन्स अभी हैं ये देखें, करें दोबारा, एक्सटेंशन दिखाएं। मैं अपनी फ्रेंड्स को दिखाऊं को इस जो एक्सटेंशन की हमने इसकी चुटियाँ बनानी है। जी, ये जो है एक्सटेंशन, ये बस हाथ से पकड़िएगा, ये जो एक्सटेंशन अपनी मॉडल के हम यूज़ करेंगे उनके बालों के साथ, हमने मैच करके ऑनलाइन हमने मंगवाई है, ठीक है। अब इसी की हम कोशिश करेंगे चुटियाँ जो है आपको बताई जाए, ठीक है। इसकी प्राइस जो है ये देख लें आप, 660 की है, 660 रुपये की है ये एक्सटेंशन। और ये जो हमने मंगवाई है अपनी मॉडल के हेयर्स के लगाने के लिए, बट हमने कर्ल्स भी किए हुए हैं और उसके बाद हमने जो इनका स्ट्रेट लुक में वो भी तो हमें नहीं अच्छे लगेंगे, बट हम इसकी कोशिश करेंगे चुटियाँ प्यारी इसी करें ताकि आप लोगों को भी पसंद आए, ठीक है। चलें जी, हम अब स्टार्ट कर लें इनकी चुटिया ब्रेड बनानी। हम पहले फ्रंट से बनाएंगे, इसके मांग निकालें। ब्रेड बना रहे हैं हम बहुत नीट तरीके से, आप देख सकती हैं। और ये ब्रेड जो बहुत अच्छी लगती है मॉडल के माइयों की, ब्राइड के भी ये बहुत अच्छी लगती है वैसे तो। ये देखिए हाइट करके कितनी नीट लगने लगी है, ठीक है। चलें बनाएं आप, ऐसे तो वीडियोज़ लंबी हो जाएगी। चलिए आप फ्रेंड्स, आपको आइडिया तो हो ही गया है। ये आप लाइन, ये जो है लाइन सीधी रखा करें ताकि जो अभी बाल थोड़े हैं ना इसलिए। चलिए ठीक है। अच्छा जी, अब हम ब्रेड हम बैक कैमरा पे बनाएंगे क्योंकि वो अब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, हम इसके ऊपर जो है, वैसे तो इसके ऊपर एक और भी बड़ा सा बन बन जाता तो बहुत अच्छा लगना था। ये ना दें, हम जो है इसकी एक्सटेंशन यूज़ करेंगे ये वाली, ठीक है। ये एक्सटेंशन यूज़ करेंगे हम, इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर लगा के हम इसकी ब्रेड बनाएंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, हमने इसके एक्सटेंशन लगा लिया, ये चीज़ तो हम इंटेक्स वगैरह लगा के क्लियर कर लेंगे, बट हमें नीचे से इनके बालों की ही ब्रेड बनानी है, ठीक है।
और हम लूज़ लूज़ बनाएंगे इसलिए क्योंकि इनके आर्टिफिशियल जो बाल हैं वो इतने मतलब अच्छी एक्सटेंशन नहीं है, ये कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। तो हम जो हैं बड़े ध्यान से तरीके से जो है इसकी ये ब्रेड बनाएंगे, ठीक है। नीचे से कोते जाए ना आप दो लोग मिल जाए ना, नीचे जब ये ब्रेड नीचे आया करेगी, नीचे वाले बाल जो है वो सब सेट कर लिया करना। बालों का वॉल्यूम तो नहीं है, वॉल्यूम हो तो फिर ही बाल जो हैं वो अच्छे लगते हैं। चले फिर भी गुड़िया के बाल लग रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। हमने आर्टिफिशियल जो एक्सटेंशन लगाई थी बड़ी कोशिश की है कि, लेकिन इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है। ये ब्रेड जो बनाई है हम यहाँ पे इंटेक्स वगैरह लगाते हैं, तो फिर जो है आगे से हमने ये मॉडल के चुटिया बना ली है, ठीक है ये वाली। तो हम अब इसको फाइनल कर लें, इसके बीड्स वगैरह लगा लें, इसके कर्ल्स वगैरह कर लें, तो फिर अब फाइनल वीडियो जो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो माय व्यूवर्स, ये एक्सटेंशन के साथ चुटिया का इतना वॉल्यूम नहीं आया, लेकिन ये कि हमने बड़ी मुश्किल से मैनेज किया है। आप मेरी मॉडल की फाइनल लुक देख सकते हैं, आप बैठ जाएं, ठीक है। ये मैंने मेकअप आप लोगों के सामने लाइव किया है, आप देख सकते हैं ये मॉडल का मेकअप। और सब्सक्राइब कीजिएगा माय यूट्यूब चैनल, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको जो है मेरी मॉडल कैसी लगी है। ऊपर करें फेस थोड़ा सा ऊपर, ऊपर इधर बिल्कुल सीधा फेस करें, आईज मेकअप मैं दिखाऊँ, उधर को फेस कर लें थोड़ा सा, स्माइली फेस करें ना थोड़ा सा।